तो बाबा लोग कबूतर हमारे बीच में नहीं रहा, वो हमेशा के लिए उड़ चुका है। तो मैं आप लोगों को उसकी स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ कि वो कैसे मिला, क्या क्या हुआ उसके साथ। तो ये बात है 25 जुलाई की। 25 जुलाई को वो हमें मिला था छत पे। जिस तारीख को वो छत पे मिला था, मुझे पापा ने और बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर कबूतर है। तो हम फिर ऊपर आए, उसे देखा तो वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था, उसे कुछ पता नहीं था। तो हमने फिर उसकी पानी पिलाने की कोशिश करी, उसे उसकी चोंच खोल के उसे पानी वानी पिलाया। ये सब कुछ आप व्लॉग्स में देख चुके हैं, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में सारा एक बार बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो ऐसे हमने पानी पिलाया, फिर मैंने सोचा कि रात को ये कैसे रहेगा, कुछ बिल्ली बिल्ली से खा सकती है। तो मैंने फिर एसी के बॉक्स का एक अरेंजमेंट करा, उसमें उसका छोटा सा रहने का ठिया बनाया, तो उसमें वो 25 की रात को रहा। तो ऐसे ही फिर आ गई 26 जुलाई नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे फिर हमने उसे बॉक्स में से बाहर निकाला कि थोड़ा बहुत घूम लेगा, अच्छा लगेगा उसे। तो बॉक्स में से बाहर निकालने के बाद मैंने अगले दिन उसकी आँख पर देखा, एक आँख उसकी वाइट वाइट कुछ ऐसा लगता लग रहा हो उस पर कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी एक आँख पे चोट लग रही है, इसे दिख नहीं रहा होगा। तो फिर हमने उसे ऐसे घुमा के देखा, तो फिर मैंने सोचा कि इसे खुद पानी पिलाता हूँ, मतलब उसके सामने कटोरी रखी कि खुद पानी पी ले वो। उसने नहीं पिया, तो फिर मैंने इंजेक्शन में फिर दोबारा पानी लिया, उसकी चोंच पे डाला। जैसे चोंच पे डाला तो एक दो बूंद नीचे गिरी, तो उसने नीचे उतरा। फिर मैंने कटोरी उसके पास कर ली, तो उसने वो पिया। तो मुझे वहाँ जब कन्फर्म पता लग गया था कि उसे दोनों आंखों से नहीं दिखता। तो ऐसे ही हुआ, तो मैं पता लग चुका था। तो फिर मैंने रात को मतलब फिर उसे बॉक्स में ही रख दिया था। फिर मैंने डिटेल थोड़ी निकाली गूगल से और यूट्यूब से कि ऐसे क्या हो गया इसको। तो मुझे पता लगा कि ये इनमें एक वायरस होता है, गर्मियों में इनकी आंखों में लग जाता है, तो इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है उससे, या तो इनकी आंख पे जाला सा आ जाता है, आंख आ जाती है, या फिर पानी निकलने लगता है आंखों से बहुत, तो उसकी वजह से इन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो बस फिर मुझे पता लग चुका था। तो मतलब उससे भी नेक्स्ट डे 27 जुलाई को मैं इसके लिए बाजरा लाया। वो बाजरा भी उसी प्रोसीजर से मैंने खिलाया कि चोंच पे पानी डाल के नीचे से पता लग गया, फिर उसने खा लिया। फिर मैं इसके लिए कैप्सूल भी लाया था, एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और उसके बारे में मैंने गूगल पे भी सर्च करा था, बहुत अच्छा था वो आँखों के लिए वैसे। तो हमने फिर इसके लिए वो भी आँखों पर लगाया 27 तारीख को। और रात को फिर मैं 27 तारीख को देखा, वो बिल्कुल ठीक था। और 28 तारीख को हमें जाना था दिल्ली शॉप का, जो कपड़ा लेने हम जाते रहते हैं दिल्ली। फिर 28 तारीख को मैंने सुबह उठ के इसे देखा, ये बिल्कुल ठीक था। फिर हम दिल्ली के लिए निकल गए। तो दिल्ली वैसे मुझे एक व्लॉग भी बनाना था, वो जगह का व्लॉग भी बनाया है, मन तो था नहीं वैसे बनाने का। तो फिर हुआ ऐसे कि हम दिल्ली में, मतलब पिछला व्लॉग देखा होगा अगर दिल्ली का, तो वहाँ पे चालान कट गया था गांधीनगर। तो इस बार मम्मी और पापा गए थे शॉप पे, मैं कार में बैठा था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कबूतर दिखे। तो मैंने बहन पे फ़ोन करा कि जब टाइम हो रहा था, मतलब तो 12 बज रहे थे, तो मैंने फ़ोन करा कि सुबह तो मैं एक बार देख के चले ही गया था कि एक बार जाके तो उसे पानी वानी पिला दे। तो उसने आके देखा, वो उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था, उस पर चींटियाँ चल रही थी बहुत सारी, उसने मुझे बताया। तो उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा, कार में बिल्कुल अकेला था। मतलब एकदम समझ नहीं आया मुझे क्या हो गया है। कल सुबह भी मतलब सुबह में उसे देखे गया बिल्कुल ठीक था। फिर बस मैंने अपने आप को समझाया कि कोई नहीं, जो होना था वो हो ही गया, ये होना ही था उसके साथ, यही लिखा था, यही उसकी किस्मत में था। तो बस फिर मैंने बहन को कहा कि उसे ऐसे ही रहने दे, आके हम देखेंगे। तो फिर हम दिल्ली से आए थे कल, मतलब 28 तारीख को 6 साढ़े 6 बजे। फिर हमने उसका जो लास्ट में प्रोसीजर होता है वो सब कुछ किया। तो बस मैं आपसे यही बताना चाहता था कि ऐसे ऐसे कबूतर के साथ हो चुका है, क्योंकि सब कुछ आप लास्ट के व्लॉग्स में सब कुछ आप देख चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस कबूतर के साथ क्या हुआ। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म।